मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोड़िया पानी गांव में कुल 30 परिवार निवास करते हैं, जहां पर शकुन भारती के साथ साथ पूरे गांव के लोगों को इस पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी को लेकर के आप लोगों को कैसे कैसे समस्या का सामना करना पड़ता है? पानी लेके जाने में दूर जाते हैं तो समय ज़्यादा हो जाता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेट हो जाते हैं स्कूल में जाने में। ये डेली ऐसे ही पानी भरना पड़ता है, छना कर भरते हैं और एक ही जगह से पानी पीते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। एक ही जगह पानी है, वही में आदमी पीते हैं, वही में ढोर बच्चा पीते हैं, वही मानुष पीते हैं। पानी खराब हो गया, वही हग रहे हैं, मूत रहे हैं, इल्ली मिल्ली सब गंदगी पानी पी रहे हैं तो बीमार हो जाते हैं। वहाँ पे कचरा कूड़ा गिर रहा है, जैसे पत्ता है, वहीं पे गाय पीते हैं और वहीं से हम लोग लेके आते हैं पानी, तो वो बहुत गंदा पानी है। क्या दूसरे जगह पानी पीने की व्यवस्था क्या है? दूसरे जगह पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वहीं पे कुआं बनेगा तभी साफ पानी मिल पाएगा। मैं चाहता हूँ कि केरा ढाना गांव में जो पानी की समस्या है और 2 साल से हेडपम्प खराब पड़ा है, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए या हेडपम्प रिपेयर किए जाए ताकि लोगों को साफ पानी मिले और बीमार का शिकार ना पड़े। इसीलिए मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि यदि आप केराढाना गांव के लोगों की समस्या से प्रभावित हैं तो आप हमारे तामिया ब्लॉक के PSC विभाग में 071-49-27-22-78 में बात करके उन पर दबाव बनाकर हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मैं राजू परतेती, इंडिया अनहर्ट के लिए।